स्वागत है आप सभी का हिमवंत जी के में। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 5 अगस्त को एक विज्ञापन प्रकाशित किया है। यह है आपका प्रयोगशाला सहायक उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत। तो इसमें देखते हैं कितनी पोस्टें आई हैं। तो यह है आपका उच्च शिक्षा विभाग उत्तराखंड प्रयोगशाला सहायक पद नाम। कुल पद हैं 107, वेतनमान लेवल 4 का है, अच्छा है। और अनिवार्य शैक्षिक अर्हता और इंटरमीडिएट पास चाहिए और प्रयोगशाला विषय से। तो प्रयोगशाला से संबंधित विषय कौन कौन से, ये आगे देखेंगे। और ये अधिमान्य अर्हता के पास, और ये आयु सीमा है 18 से 42 के बीच। आप 18 से 42 के बीच भर सकते हैं इसे। तो देखते हैं, आप देखिए, आप सबसे पहले फिजिक्स में आपको चाहिए। तो फिजिक्स है आपकी 18 पोस्ट, और वही रसायन विज्ञान में है 18, इसमें भी 18 है। प्रयोगशाला जंतु विज्ञान जियोलॉजी में 21, और बॉटनी में भी 21 है, और भूगोल में भी आपके 18 पोस्ट हैं। गृह विज्ञान की बात करें तो, और उसके बाद बात करें तो आपके मनोविज्ञान के अंतर्गत 3 है, मानव विज्ञान के अंतर्गत 1, बीएससी गृह विज्ञान के अंदर 2, शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत 3 है। तो ये है अलग अलग। तो आप देख सकते हैं 107 टोटल पोस्ट हैं। तो इस प्रकार से आयु में छूट लिखी गई है। तो इसमें क्या रहेगा सिलेबस, इस पे इसे देखते हैं सबसे पहले। तो ये ने आप जो आपके लोक सेवा आयोग की जो वेबसाइट है से आप डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं। तो इसके बाद इसमें देखिए आप पेपर का चयन हेतु परीक्षा का आयोजन, 2 पेपर होंगे इसमें। एक है आपका सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन, 100 प्रश्न आएंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा। और एक है विषय परक जानकारी, अगर आपकी फिजिक्स है तो फिजिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ और बॉटनी है तो बॉटनी से, जूलॉजी जूलॉजी, होम साइंस है होम साइंस पूछे जाएंगे। तो प्रश्न 1 सभी के लिए अनिवार्य होगा, एक जैसा होगा। पहला पेपर सबके लिए एक जैसा होगा, और दूसरा होगा जिस प्रकार से आपने संबंधित विषय का चुनाव किया उसी प्रकार से। इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी लिखा हुआ है। तो ये देख सकते हैं आप क्या क्या आएगा। 2 घंटे में आपका सामान्य विज्ञान, इतिहास, राजव्यवस्था, भूगोल, समसामयिक, उत्तराखंड का इतिहास, जैसा सिलेबस आता है नॉर्मल। उसके बाद अगर आपका सिलेबस जो है वही आएगा तो आप देख सकते हैं। तो फिर मिलता है आपका ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।